डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सहानी क्रिएशन एजुकेशनल चैनल। पिला माने आज आम मैने तुम क्लास नाइन इंग्लिश रो फर्स्ट स्टोरी द ट्रंक ऑफ गणेश पढ़ा यार गाल्पी कही जयंत महापात्र। पिला माने गल्पे तीनोटी पार्ट रही तेणु तीनोटी पार्ट रो तीनोटी वीडियो कराई आउ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर गोटे वीडियो और परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर पर गोटे वीडियो कराई। पिला माने वीडियो गुड़ी को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिए भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सांग सहित एवं कमेंट करेंगे। पिलाने जो मैंने चैनल को यपर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने कारण नूतन वीडियो पोस्ट करागले तार नोटिफिकेशन सांगे सांगे पाई तेरे आस पाने द स्टोरी द ट्रंक ऑफ गणेश पार्ट वन वीडियो देखा। नॉन डिटेल टेक्स द ट्रंक ऑफ गणेशा। ए बिफोर यू रीड व्हाट डू यू नो अबाउट सुपरस्टिशंस। तुम मैंने अंधविश्वास विषय कौन जान। डू यू बिलीव इन सुपरनैचुरल पावर्स। तुम्हें अलौकिक शक्ति ऊपर विश्वास कर कि। कैन दिस बी साइंटिफिकली प्रूव्ड। यह वैज्ञानिक भावरे प्रमाणित हो पार कि। विल नाउ रीड द स्टोरी। वर्तमान आम गपटी को पढ़वा द ट्रंक ऑफ गणेशा। इट टेल अस यह आम कह हाउ द ट्रंक ऑफ गणेश ब्रेक्स एवरी नाइट। किभली भाव गणेशर शुंडटी प्रति राति भांगी जाऊला। इज इट बिकज ऑफ गॉड्स एंगर। यह भगवान राग जुगु। और इज इट द डूइंग ऑफ सम सुपरनैचुरल बीइंग्स। बाकी किसी अलौकिक शक्ति द्वारा यह घटुला। बी द टेक्स इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज व्हेन नथिंग सीम टू गो राइट फॉर गोविंद महाराणा। वन्स अगेन देयर वाज दिस अनहैप्पी इंसिडेंट व्हिच केप्ट बोदरिंग हिम। इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज। सबुदिन भली मध्य आज गोटे दिन थिला से भली एक दिन थिला। व्हेन नथिंग सीम टू गो राइट जहाँ गोविंद महाराणा पाई किछि ठीक भावरे चालू थिबार जना पड़ु नथिला। वन्स अगेन देयर वाज दिस अनहैप्पी इंसिडेंट। पुणी थरे से दुखद घटना घटिला व्हिच केप्ट बोदरिंग हिम जहाँ ताकु व्यस्त बिव्रत करि पकाउथिला। At sunrise, he finished his bath in the courtyard and took a glass of tea from his wife's hand. At sunrise, सूर्योदय बेले बा समय रे, he finished his bath, से तार गाधा काम सारीदला बा शेष कला in the courtyard अगण रे, and took a glass of tea from his wife's hand. एवं तार स्त्री हाथरु चहा ग्लास टी नेला। His fingers suddenly slackened and the glass slipped from his hand. एवं हठात तार आंगुठी खोल हो गला एवं ग्लास हाथरु खसी पड़ा। It was his first conscious knowledge of the fear he carried. यह थिला ता मनर भितर थिबा भय को से प्रथम थर पर अवगत हेला बा जानिपारा। द सुपरस्टिशंस हंटेड हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। जो अंधविश्वास जीवन सारा धारी रखिता। दिस डे देयर वाज ए स्पेशल रीजन फॉर हिज ग्लूमी टेंस मैनर। आज दिनटर तार विषाद तथा उद्वेगजनक अवस्था पछरे एक विशेष कारण रही। फर कारण इट वाज द थर्ड डे इन सक्सेसन दैट सच ए थिंग हार्ड हापेन। कारण यह लगातार तृतीय दिन थिला जाके एभली एक घटना घटी। गोविंद हाड लॉन्च द ट्रेड
फ्रम हिज फादर। गोविंद तार बापा ठार् वृत्ति शिक्षा लाभ करूला मूर्ति गढ़ा कार्य शिखी आज हार्ड हिज फादर फ्रम हिज फादर्स फादर जमीक तार बापा बापा ठार् शिखी। द सब्सटेंस ऑफ द आर्ट ऑफ आइडल मेकिंग द दुर्गा एंड द गणेश एंड द शिव यह दुर्गा गणेश और शिव मूर्ति तैयारी करिवारो कला बा कौशल। परहैप्स आई हैव नो राइट ही टोल्ड हिज वाइफ टू मेडल विथ द प्राइवेट लाइफ्स ऑफ गॉड्स। संभवतः आई हैव नो राइट बोध हुए मोर अधिकार नहीं। हि टोल्ड हिज वाइफ से तार स्त्री को कहला टू मेंडल विथ द प्राइवेट लिप्स ऑफ गॉड देवदेवी मान घर जीवन रे हस्तक्षेप करिवार। तेणु गोविंद महाराणा आशंकाग्रस्त भाव में तार स्त्री को कहला बोध हुए देवदेवी मान घर जीवन रे हस्तक्षेप करिवार अधिकार मोर नाही। दैट इज व्हाई दे आर एंग्री जो से माने रागी जाइछंती। परहैप्स आई हैड बीन ऑफ लेट यूजिंग माय पावर्स टू केयरलेसली एंड द आइकन्स आई हैव बीन मेकिंग आर नॉट एक्जैक्टली दोज माय फादर वुड हैव मेड इन हिज टाइम। पुणी गोविंद बारणा कहुची बोधहुए किछि दिन धरी मु मोर क्षमता गुडीकु अति जत्नहीन भाव रे व्यवहार करि आसुछि। एंड द आइकन आई हैव बीन मेकिंग आर नॉट एक्जैक्टली दोज माय फादर वुड हैव मेड इन हिज लाइफ। एवं पुणी से भावुची मुयारी कर विशिष्ट मूर्ति गुड़िक ठीक भाव से ही भि नुहे जो भि मो बापा समय तैयारी करते। सुलोचना लुक्ड आट हर हजबैंड विथ फ्राइटेंड आईज। सुलोचना भयातुर आखिरे निजर स्वामी आड़ को चाहिए। परहैप्स बोध हुए हि वाज ए राइट संभवतः बोध हुए से ठीक कहते से भाविले हि थट सी थट बट मे बी हि वाज ए ग्रोईंग ओल्डर एंड हिज हैंड्स एंड आईसाइट वे आर नॉट एज स्ट्रंग एज बिफोर। पुणी सुलोचना तार स्त्री भावुची किंतु हो पारे तांको स्वामी बुढ़ा हो गले पूर्व भि तांकर हाथ और दृष्टिशक्ति से सबल और तीक्ष्ण हो रही ना। यू मस्ट बी ट्राएड वर्किंग विदाउट ए ब्रेक सी सेड हर वर्ड्स बेटरिंग हर सिंप्लीसिटी। एवं सुलोचना कहले यू मस्ट बी ट्राएड वर्किंग विदाउट ए ब्रेक टिके विश्राम न नहीं काम करी तुम्हें बोधहुए क्लांत हो गले थकी पड़े। हर वर्ड्स बेटरिंग हर सिंप्लीसिटी किंतु से सुलोचना बा तार स्त्रीर कथा तार सरलता को उपहास करुथिबार जना पडुथिला। यू नो व्हाट डे इट इज इट ही स्टडीड हर फॉर ए मोमेंट एंड कंटिन्यू एंड आई एम ऑलरेडी लेट ऑन द लार्ज गणेश। यू नो व्हाट डे इट इज तुम्हें जानिच आज दिन टी कौन। ही स्टडीड फॉर ए मोमेंट एंड कंटिन्यूड एंड आई एम ऑलरेडी लेट ऑन द लार्ज गणेश। तेणु गोविंद बाहना तार स्त्री कहले तुम्हें जानिच आज दिन टी कौन। गोटे मुहूर्त से स्त्री को निरीक्षण करी कहले एंड आई एम ऑलरेडी लेट ऑन द लार्ज गणेश। ये बड़ गणेश तैयारी करिवारे मोर प्राय डेरी होगला। व्हाट हैड गन रॉन्ग सी कुड नॉट अंडरस्टैंड। कौन भूल हो जाइछि से बुझी पारला नहीं बा गोविंद बाणना बुझी पारला नहीं। मेकिंग एन इमेज वाज चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम। मूर्ति गढ़ा तापाई गोटे पिला खेल थिला। ओनली इन दिस केस केवल अवश्य एक क्षेत्र में द आइडल वाज समहट लार्ज दैन मोस्ट किंतु से कहुची एक क्षेत्र में मूर्ति अधिकांश मूर्ति ठारू अपेक्षाकृत टिके
बड़ आकार थिला। द ट्रंक ए लिटिल हेवियर ए टेरिफली लंगर दैट वाज ऑल। तेणु से कहुची मूर्ति अधिकांश मूर्ति अपेक्षाकृत बड़ आकार थिला, जमीती कि गणेशर शुंड टिके अधिक ओजनिया सामान्य लंबा थिला। दैट वाज ऑल, बस एतिकी। Perhaps the clay he had been using was just that measure soft of its adhesive quality which makes for a smooth tight binding। एवं पुणि से कहुची बोध हुए गोविंद व्यवहार करुवा मटी अठाड़िया अंशर परिमाण किछि कम थिला, व्हिच मेक फॉर द स्मूथ टाइट बाइंडिंग, जहाँ मटी को भल कर नरम करिथांदा एवं बांधी रखि थाए। बट किंतु इट वाज द सेम, किंतु यह थिला से एका क्ले ही हाड बीन यूजिंग फॉर इयर्स, से एका माटी जहाँ को से वर्ष वर्ष धरी व्यवहार करुथिला। फॉर इननंबरेबल इमेज ही हाड परफेक्टेड एंड सोल्ड, एवं असंख्य बा अगणित मूर्ति को से सुंदर करी गढ़ी बिक्री करिथिला। देन व्हाई द सडन फियर एट द पॉइंट व्हेयर द एलिफेंट ट्रंक टूक ए टर्न एंड स्वांग जेंटली डाउनवर्ड, ताहले कहीं ए सडन टीयर, हठात गोटे फाट देखा जाउची सुंदरटी मोड़ी हो रही जगह भांगी पड़ुवा भांगी पड़ुला और सुंदरटी तला आड़ को सामान्य भाव झुल पड़ुला किपर। व्वाज द वेट टू हेवी फॉर द क्ले मोल्ड ऑफ द इमेज फेस टू सपोर्ट इट, ताहले मूर्तिर मुँह को आकृति देवा परिप्रेक्षी यार ओजन बहुत ओजनिया हो जाए कि सुलोचना डिड नॉट वांट टू क्वेश्चन हिम अबाउट हिज वर्क। सुलोचना तार स्त्री स्वामी गोविंदर कार्य विषय किसी प्रश्न करने को चाहून थिला, फर कारण हि न्यू दैट से जानिथिला जे हि वाज वन ऑफ द बेस्ट इमेज मेकर्स इन द होल वैली, संपूर्ण उपत्यकारे तांकर स्वामी सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार थिले। गोविंद महाराणा इमेज गोविंद महाराणार मूर्ति गुड़िक, इट्स हार्ड टू फाइंड बेटर वर्क दैन हिज, यह कठिन थिला जे तांकर आउ भल कारीगर बा भल मूर्ति गढ़ाली पाइबा। सी हैड हैड द टाउन फॉल्क ऑफन से शुणी लोक मैंने सहर लोक मैंने अनेक समय यह कथा होतीबार, ही वाज वन ऑफ द फ्यू एक्सलेंट क्राफ्टमैन लेफ्ट, अल्प केतक एवं बंची अल्प केतक जन कारीगर मध्य गोविंद महाराणा होती सर्वश्रेष्ठ कारीगर। एंड सी नस्ट हर प्राइड इन सिक्रेट, यही कथा को से निजर स्वामी प्रति गर्व को से निज हृदय लुचाई रखी जे सहर लोक मैंने कहा हूँ जे गोविंद महाराणा भाई सर्वश्रेष्ठ कारीगर आउ ना। एंड एट सम इनर भॉइस हामर्ड एट हर, किंतु तथापि किसी अंतस्वर तक हृदय को प्रहार करुला। वाज इट बिकज ही हाड आस्क्ड फॉर ए बेटर प्राइस, ए राज्यर एक्सरबेंटेंट वन, गणेशर दैन ए एंड एट सम इनर भॉइस हामर्ड एट हर, तथापि किसी अंतस्वर तांकर हृदय को प्रहार करुला। वाज इट बिकज ही हाड आस्क्ड फॉर ए बेटर प्राइस, ए राज्यर एक्सरबेंटेंट वन, देन ए व्हाट वाज कनसीडर्ड
reasonable color and image of that size. गणेशर प्रतिशर शुंड भांगी जीवा कौन गोविंदंकर अधिक चढ़ा मूल्य दाबी करिवार एक प्रतिफलन थिला जो तैयारी मूर्ति से भली आकार मूर्तिर सठिक मूल्य ठारु बहुगुण अधिक थिला। शी वाज कन्विंस्ड दैट हर हजबैंड वाज ए राइटर्स मैन किंतु सुलोचना निश्चिंत थिला जे तांकर स्वामी जने न्यायवंत व्यक्ति सचोट व्यक्ति हेले बट व्वाज नॉट इट पॉसिबल दैट हि इज सीमिंग ग्रीड हेले यह कौन संभव नथिला जे तांकर लोभ बा आकृष्ट शक्ति जगाई देथिला बा बढ़ाई देथिला। प्रोवाइडेड सर्मिस व्वाज करेक्ट हाड ए एग्रीड द अननोन किंतु सुलोचना कहते यह कौन संभव नथिला जे तांकर बा गोविंदंकर लोभ गोटे अजणा शक्ति ईश्वर को रगाई देथिला जोंतिपई मूर्तिटी बारंबार भांगी जाउथिला।